नमस्कार, मैं अनिल सकरवाल, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर, देवदान, बांसवाड़ा स्कूल से। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रैक्टिकल के, जो है प्रायोगिक कार्य, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करें और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इस साल तो प्रैक्टिकल वर्क की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि फाइल कैसे बढ़ाएं। प्रैक्टिकल तो हम अलग अलग वीडियोज़ काफ़ी बढ़ा चुके हैं और आगे भी अभी कुछ प्रैक्टिकल्स बाकी होंगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब बात करेंगे हम फाइल कैसे बढ़ाएं। तो हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे फाइल के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एक तो, और फाइल बनाते समय कैसे बनानी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें जो प्रैक्टिकल में फाइल के मार्क्स है वो पूरे में से पूरे मिल सके। प्रैक्टिकल जो है उसमें फाइल जो है वो प्रैक्टिकल का हर्ट है, कि अगर ये आपने अच्छे से काम किए हैं तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिकल पूरे सीखे हैं, समझे हैं और फाइल अच्छे से तैयार की है, तो उसके आधार पे आपको प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इस बार मैंने इसलिए कहा कि इस बार और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रैक्टिकल वर्क में फाइल वर्क, क्यों? क्योंकि इस बार फाइल के नंबर कर दिए गए 15। नॉर्मली होते हैं 5, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हमारा होता है, जिसमें से केवल 5 नंबर जो हो गए हैं वो फाइल के लिए जाते हैं। और इस बार जो है वो प्रैक्टिकल के में फाइल के जो नंबर है वो कर दिए गए 15, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें बात करते हैं, देखो 5 नंबर जो पहले थे फाइल के, उसमें से भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि फाइल में किस प्रकार से काम किया जाए उसके आधार पे। तो 5 में से 3 नंबर तो होते हैं फाइल बढ़ाने के, 1 नंबर होता है फाइल में जो आपने काम किया है वो साफ सफाई से किया है या नहीं किया है, और 1 नंबर होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका, वो होता है रेगुलरिटी का। ऐसा नहीं है कि हमें नॉर्मली हमारे माइंड में ये रहता है कि फाइल बढ़ा दी, इधर उधर से लिख के बढ़ा दी, किसी बच्चे ने कर लिया उसका देख के लास्ट के 3 दिन में कंप्लीट करके डाल दी तो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। वो फाइल को देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको उसमें से कितने नंबर दिए दे, वो डिपेंड करता है कि आपने फाइल का काम कैसे किया है उस पर डिपेंड करता है। और वो फाइल जो है वो दर्पण होती है, तो फाइल देखते ही पता चल जाता है इसमें काम कैसे हुआ है, 1 दिन में किया है या 2 महीने में किया है या 6 महीने में लगातार किया थोड़ा थोड़ा। तो जो 1 नंबर रेगुलरिटी का है वो है आपके फाइल चेक हुई है उस पर साइन से पता चलता है कि आपकी रेगुलरिटी कैसी है। जब आप पूरे साल में एक ही बार लास्ट में फाइल बनाते हैं सारे प्रैक्टिकल एक साथ, तो चेक करने वाले कभी भी अलग अलग डेट नहीं डालते उसमें, हमेशा वो उसी दिन की एक डेट डालेंगे या डेट नहीं डालेंगे। तो अगर साइन के नीचे डेट नहीं डाली गई है, इसका मतलब ये है कि ये प्रैक्टिकल 3-4 प्रैक्टिकल एक साथ जांच हुआ है। और अगर डेट डाली गई है तो सभी में अगर एक ही डेट है, इसका मतलब एक ही दिन चेक करवाया, एक दिन चेक करवाया, तो यही माना जाता है कि वो आपने एक साथ करके फिर चेक करवाया। जबकि नियम क्या है प्रैक्टिकल में, आपने एक प्रैक्टिकल किया सैटरडे फ्राइडे को, उसको आपने पूरा किया रिटर्न वर्क 3-4-5 दिनों में, उसके बाद आप उसको 1 हफ्ते में आराम से चेक करवा सकते हैं एक प्रैक्टिकल, 1 हफ्ते में हम एक प्रैक्टिकल इजी वे में कर सकते हैं। तो जब आपने वो प्रैक्टिकल सितंबर में या अक्टूबर में जब भी किया, तब आपने जांच करवाया, तो वो सितंबर अक्टूबर की या नवंबर की या दिसंबर की डेट मिलेगी उस पर फरवरी की डेट नहीं मिलेगी। और उसके बाद जब दूसरा प्रैक्टिकल आपने किया है तो फिर वो उसकी डेट की आपको आगे की डेट उसके अंदर मिलेगी। तो अब हम आगे टाइम खराब ना करके आगे बात करते हैं कि कैसे करना है। जैसे मैंने इस बार जो प्रैक्टिकल है वो ये दिसंबर में शुरू करवा दिए थे, तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें देखो डेट डली हुई है 18/12/2020। इसका मतलब ये प्रैक्टिकल 18 तारीख से पहले हुआ था, 18 को जाँच हुआ था। अगले प्रैक्टिकल में ये 2 प्रैक्टिकल एक साथ जांच किए और करवाए इसने, उसके बाद में फिर 21 तारीख की डेट डली हुई है, इसका मतलब उसके बीच में फिर एक प्रैक्टिकल हो गया है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इम्पोर्टेंट होता है। अब हम प्रैक्टिकल फाइल की बात करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, आप इसे समझ लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी फाइल बनाने में, वरना कभी कभार कन्फ्यूजन रहती है। शॉर्ट में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, काम जैसा करना है वो प्रयोग पे डिपेंड करेगा कैसे करना है। ये मेरे पास इसी साल की फाइल है बच्चे की, इसी की कक्षा 12 की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखो इंडेक्स की बात हम करेंगे बाद में, सबसे पहले दिया जाता है इंडेक्स, इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम आते हैं यहाँ। तो आपको याद, ये पहला पेज स्टार्ट हो रहा है, आपको सबसे पहले ऊपर लिखना प्रयोग संख्या 1, वहाँ उसके नीचे लिखना है उद्देश्य, साफ उद्देश्य लिखने के लिए आप अलग कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे फाइल, लेकिन आपको रेड कलर का पेन यूज़ नहीं करना है, तो उसके अलावा कोई करना।
मीटर रेड कलर का पेन आपको कहीं भी यूज नहीं करना पूरी फाइल में। फिर जैसे ये उद्देश्य लिखा है मीटर सेतु के द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य हो गया। अब यही नहीं है उद्देश्य के जस्ट अगली लाइन में लिख दें, ऐसा नहीं करना है। जैसे इसने दो तीन लाइन छोड़ रखी है, वैसे आप भी दो तीन लाइन छोड़ दें, फाइल बहुत बड़ी रहती है, हमें 10-11-12 प्रैक्टिकल करने होते हैं, तीन लाइन ही छोड़ दी, तो आप दो तीन लाइन छोड़ गए, फिर लिखे उपकरण, उपकरण जो उस प्रयोग को करते समय क्या क्या आप उपकरण काम में ले रहे हैं वो हमारे सामने होते हैं, उनको देख के लिख दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए हमें बुक की जरूरत नहीं रहती है, तो आप आदत भी वही डाल लें, तो जब प्रयोग करते करते 6 महीने 2 महीने 3 महीने जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको वैसी हैबिट हो जाएगी, तो आपको देखने नहीं पड़ेगी आधे से काम के लिए बुक्स। तो ये लिख दिया उपकरण, उसके बाद में फिर दो तीन लाइनें छोड़ के लिख दे सिद्धांत, जिस सिद्धांत पे काम कर रहा है उपकरण, जैसे मीटर सेतु है तो वीटी स्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम कर रहा है, SQ P R, तो फिर यहाँ पी का जो मान है वो एल लंबाई के समानुपाती होता है, क्यू का मान 100 L के समानुपाती होता है, इस तरह से ये प्रैक्टिकल बुक्स में इजी वे में दे रखी है, उनमें से आपको देख के करना है। तो आपको पहले पेज पे क्या करना है, तीन बातें लिखनी है, ये बात आप ध्यान रखें, तीन बातों से ज़्यादा चौथी बात मत डालें कभी भी, वरना थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा प्रैक्टिकल वर्क। अब देखो साफ साफ दूर दूर दिखेगा ये, अच्छा अच्छा दिखेगा आपको, और चेक करने वाले को भी समझ में आएगा, और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहले प्रैक्टिकल इंप्रेशन अच्छा रहता है, तो ये मान के चलते हैं जैसा आपने पहला किया वैसे ही सारे किए होंगे। दोबारा बात कर लेते हैं, सबसे पहले पेज पे आपको क्या लेना है, उद्देश्य उपकरण सिद्धांत, सब में दो दो तीन तीन लाइनें छोड़ देनी है। इसके जस्ट सामने आपको परिपथ चित्र बनाना है, साफ सुथरा होना चाहिए, आप कोई लाइन खींचनी है तो सीधे भी खींच सकते हैं पेंसिल से, लेकिन आपको काम स्केल से करें, जहाँ देखो इसके अंदर किया गया है स्केल यूज़ करना है तो स्केल यूज़ करना है आपको। फिर जो भी चीज़ें इसके अंदर लगी हैं उनके बारे में आपको नीचे लिखना है, सब चीज़ों के बारे में कि किसका मतलब क्या है। ई लेखलांसी सेल है, आर बी प्रतिरोध बॉक्स है, एस प्रायोगिक तार है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, जी धारा मापी है, के कुंजी है, जे विसर्पी कुंजी है, तो ये सारा इसके अंदर लिखा है, ये सारा हमें लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है परीक्षा में भी और फाइल में भी, जब भी आप बढ़ाएं तो हमेशा ये देखो ये एरो लगा हुआ है, ये बैटरी के साथ लगा हुआ है, ये करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, धारा की दिशा का अलग से एक नंबर होता है, पहले आधा नंबर होता था, अब ये इस प्रैक्टिकल में इस साल मेरे को ध्यान नहीं कितने नंबर का है शायद, वरना करंट की डायरेक्शन जो होती है एक नंबर का परिपथ चित्र होता था पहले, तो उसमें से आधा नंबर तो था केवल ये एरो लगाना, तीर का निशान लगाना, आधा नंबर केवल इसका है, बाकी पूरा काम आधे नंबर का है, तो ये मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि नॉर्मली सब प्रैक्टिकल्स में हमें करंट डायरेक्शन शो करनी पड़ती है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि परिपथ चित्र साफ सुथरा हो और उसके अंदर धारा की दिशा शो होनी ज़रूरी है। ये हो गया पहले पेज का, अब चलते हैं दूसरे पेज पे, सिद्धांत के बाद में क्या आएंगे, प्रेक्षण या प्रेक्षण सारणी, जिनमें प्रेक्षण नहीं है उन्हें प्रेक्षण नहीं ले होंगे तो नहीं लिखेंगे, तो प्रेक्षण सारणी बना लेंगे, जिनमें है प्रेक्षण उनमें प्रेक्षण भी लिखना है फिर सारणी बनानी है, वो डिपेंड करेगा प्रैक्टिकल पे। जैसे हम वी और आई में ग्राफ खींचते हैं, वोल्टेज और धारा में ग्राफ खींचते हैं, तो वहाँ वोल्टमीटर एमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो उनके प्रेक्षण आएंगे, प्रेक्षण में लिखते हैं लिस्ट काउंट, अल्पतमांक लिखते हैं, अल्पतमांक कि कोई भी उपकरण है वो उसका सबसे छोटी वैल्यू क्या है, उसकी एक लाइन का मान क्या है, वो उसका अल्पतमांक होता है। जैसे 3 वोल्ट का वोल्टमीटर है तो उसमें खाने या 60, तो 3/60.05 जो आएगी वैल्यू वो क्या आ गई, वो आ गया उसका अल्पतमांक, तो वो होते हैं प्रेक्षण। फिर लेते हैं प्रेक्षण सारणी, सारणी आपको साफ सुथरी बनानी है, ऐसे कटिंग नहीं करनी जैसे इसमें की हुई है, और थोड़ा सा स्पेस दे के बनाना, आपको साफ साफ लिखना है रीडिंग, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं आप, जैसे पहली रीडिंग लिखी है आपने उसके बाद दूसरी लिख रही है तो एक लाइन छोड़ दें, थोड़ा सा समझ में आ जाए, एक एक लाइन छोड़ दें, क्योंकि अभी 6 रीडिंग लिखनी है तो 12 लाइन में बन जाएगी, ऊपर जो हेडिंग्स लिखनी है वो 3-4 लाइन में वो आ जाएगी, 15-20 लाइन में, 15-16 लाइन में आराम से अच्छी साफ सुथरी सारणी बन जाएगी। इसके जस्ट सामने आपको शुरू करनी है गणना, गणना आपको ध्यान रखना वाइट पेज पर ही करनी है, कभी भी लाइनदार पेज पर गणना नहीं करेंगे हम फाइल बनाते समय, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में तो कॉपी पे वाइट पेज होता ही नहीं है, तब तो लगातार ही चलना है, उसकी बात हम बाद में करेंगे कैसे करेंगे, अभी हम फाइल की बात कर रहे हैं। तो इसके सामने देखो पहले पेज पे कुछ क्या बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गणना शुरू कर देते हैं परिपथ चित्र के लिए, यहाँ नहीं करनी है फाइल में, कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सफिशियंट पेज रहते हैं, एक्स्ट्रा रहते हैं, हर फाइल में बचते हैं 10-20 पेज, तो गणना जब आप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रथम प्रेक्षण के लिए, फिर लिखेंगे जो सूत्र लग रहा है, जैसे इसमें लग रहा है IS = 100 - L / L × R, तो सबसे पहले लिखना है क्या क्या मान इसके अंदर रखने हैं, R का मान रखना है, L का मान रखना है, 100 - L का मान, फिर रखना है सूत्र लिखना है, फिर सूत्र में मान रखने हैं,
फिर यहाँ उत्तर निकालना, उत्तर ये जो उत्तर आएगा वो आपको सारणी में उत्तर लिखना है। सारणी में गुणा भाग कभी भी नहीं करने हैं। कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं या मान रख देते हैं कि 30.2 बटे 69.8 गुणा 1 बराबर ये, तो ये सारणी में इतने से खाने में जब आप इतनी चीज़ें लिख देंगे तो बिल्कुल पास पास हो जाएगी, कटिंग भी हो जाएगी और वो तरीका नहीं है, वो गलत तरीका है। तो आप एक बात ये बिल्कुल ध्यान रख लें कि गणना करते समय प्रेक्षण सारणी के सामने वाइट पेज जो है उस पर आपको गणना करनी है। सारणी के अंदर आपको बिल्कुल साफ सुथरे मान लिखने हैं, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन गुणा भाग नहीं करने है, वो सारा काम इधर करना है। फिर द्वितीय प्रेक्षण के लिए फिर आपको पूरी बात फिर लिखनी है, ये बात फिर सूत्र लिखना है, फिर मान रखना है, फिर उत्तर निकालना है, फिर तीसरे प्रेक्षण के लिए। अब देखो क्या होगा, किसी ने इतनी सी सारणी बढ़ा दी, फिर वो क्या करेगा, यहाँ परिणाम लिख देगा और यहाँ सावधानियाँ लिख देगा, क्लियर। और गणना कर रहा है इधर, तो यहाँ पहली गणना आ गई, यहाँ दूसरे प्रेक्षण की आ गई, तीसरे की आ गई, अब जगह नहीं बची, अब वो जाएगा यहाँ चौथे के लिए, पांचवें के लिए, छठे के लिए, फिर माध्य भी निकालना है। और अगर आपने यहाँ ही सावधानियाँ लिख दी सारा पास पास करके, तो प्रयोग तो आपका यहाँ खत्म हो गया और गणना चली रही है अभी, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। पहले गणना खत्म होती है, उसके बाद निष्कर्ष निकलते हैं, उसके बाद सावधानियाँ लिखी जाती हैं। तो कभी भी कैलकुलेशन प्रयोग खत्म होने के आगे नहीं जा सकती, प्रयोग और कैलकुलेशन आमने सामने खत्म होंगे, ठीक है, हम ध्यान रखते हैं। तो इसका टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को ज़्यादा इतना नहीं इशू बढ़ाते हैं, बच्चों के नंबर इन चीज़ वजह से नहीं काटते हैं, हम कभी भी दे देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप बिल्कुल सिस्टम से अगर काम करेंगे तो तरीके से करें, हमें अलग कुछ नहीं करना, वही काम लिखते समय ही तो ध्यान रखना है, अलग से क्या करना है, अलग से कुछ नहीं करना। तो अब दोबारा बताता हूँ मैं इसमें क्या करना है आपको, यहाँ सारणी आपको साफ सुथरे बनानी है, खुली खुली कोई कंजूसी नहीं करनी है। अगर यहाँ जगह बच रही है तो तीन चार लाइनें छोड़ के फिर यहाँ लिख दें केवल परिणाम, सावधानियाँ नहीं लिखनी है इस पेज पर, बिल्कुल ध्यान रखें आप सावधानियाँ नहीं लिखनी है इसमें, क्योंकि गणना एक पेज पर नहीं होगी और आपको बिल्कुल ऐसे चिपक चिपक के गणना नहीं करनी है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सुंदर दिखे उसी हिसाब से करनी है। तो यहाँ आपने परिणाम लिख दिया, अब ये देखो ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ तो आगे चला गया, आगे आगे करना, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, फिर निकाल लिया माध्य और इसके सामने आगे सावधानियाँ। तो देखो गणना इतनी बड़ी होने के बाद भी सावधानियों के सामने क्या हो गया, इधर प्रयोग खत्म हुआ, इधर गणना खत्म होगी, दोनों काम ये एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रयोग खत्म तो यहाँ कर दिया हमने, अब गणना मान लो इसका अगर प्रतिरोध यहाँ रह जाता, माध्य प्रतिरोध, तो ये इस पेज पे जाता, इस पेज पे जाता, तो फिर प्रयोग तो चेक तो पहले ही हो गया, डेट पहले ही डल गई, काम पहले खत्म हो गया और कैलकुलेशन भी चल ही रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखें, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले पेज पे आपको उद्देश्य उपकरण सिद्धांत लिख लें, आप इस बात को तीन ही चीज़ लिख लें आपको तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं तो, उसके सामने आपको परिपथ चित्र बनाना, धारा की दिशा व्यक्त करनी है, दूसरे पेज पे आपको सारणी बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है तो परिणाम लिखना है, इसके सामने गणना शुरू करनी है, गणना एक पेज पे आए चाहे दो पे आए, एक पे आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक पे अगर हो जाती है तो, और फिर आपको इधर पे लिखनी है सावधानी। जो प्रैक्टिकल बड़े होते हैं जैसे श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, उनके अंदर दो दो तीन तीन सारणी बनेगी तो वो एक पेज और चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, एक पेज और चला जाएगा। हमारे पास देखो कितनी बड़ी फाइल है, अभी इसके अंदर ये लगभग 6-7 प्रैक्टिकल तो हो चुके हैं, तो भी अभी आधी से ज़्यादा तो बच रही है फाइल पूरी की पूरी, अब कितने 3 प्रैक्टिकल और करेंगे तो भी आधी से ज़्यादा फिर भी बचेगी। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर प्रयोगों में हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, तो ग्राफ कैसे लगाना, जैसे ये है विभांतर और धारा में ग्राफ खींचकर दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, तो इसमें क्या करेंगे, सेम वैसे भी काम करना है। देखो इसमें क्या गया है, उद्देश्य उपकरण सिद्धांत, देखो तीन चार लाइनें बच गई, अब कचरा करके बनाते तो यही सामने बना देते, लेकिन वो कार्य की सुंदरता भी कम हो जाती और आगे अपने को दिक्कत भी आती, गणना खत्म नहीं होती, प्रयोग खत्म हो जाता, तो ये तीन ही काम करने हैं। फिर ये देखो इसने इस तरीके से कर रखा है, इसके अंदर प्रेक्षण व प्रेक्षण सारणी ये लिखा हुआ, वोल्टमीटर का अल्पतमांक 3/60.05, एमीटर का अल्पतमांक ये लिखा हुआ, क्लियर। यहाँ से देखो गणना शुरू कर दी, प्रथम प्रेक्षण के लिए वी का मान, आई का मान, और फिर इसी तरह दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पाँचवें के लिए, अब देखो पाँच हो गए ना, बहुत साफ साफ किया है इसने, फिर भी एक इनका माध्यम तो रह गया, अब इसने क्या किया यहाँ बना दी सारणी, सारणी के बाद में देखो इसने तीन लाइनें बज रही थी, परिणाम लिख दिया। आप कोशिश करें अगर ऐसी स्थिति है तो आप परिणाम को आगे ले जाएं, क्योंकि यहाँ देखो सावधानी तो लिखी है, पूरा पेज खाली था, यहाँ परिणाम आ जाता है, यहाँ सावधानी आ जाती, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो है वो उनको ध्यान रखना चाहिए, विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एक अच्छे इंप्रेशन के लिए ये चीज़ें बहुत काम करती हैं।
तो फिर उसके बाद आप निकाल लें माध्यमिक। अब बात कर रहे हैं एक बात और रहेगी इसमें ग्राफ की, जब आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए पीछे पेज लगे रहते हैं, ये देखो ये लगे हुए, इनमें बढ़ा लें आप ग्राफ, उसके बाद में इसको यहाँ से इस प्रकार से काटें कैंची से, जैसे इन्होंने काट रखे हैं देखो कैंची से या ब्लेड से काटें तो ये बिल्कुल एक सफाई से कटिंग होगी, जैसे कपड़े की कटिंग होती है उसी तरह से। अब इसके बाद इसको क्या करना है, इसको यहाँ लगाना है बीच में, दोनों पेजों के बीच में, आप यहाँ भी लगा सकते हैं गन्ना वाले पेज में भी लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेक्षण सारणी जान लिखी है आपने, वहाँ भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्राफ के कॉर्नर पे हल्का सा गोंद लगाना है और इसके बीच में बिल्कुल बारीक बारीक गोंद लगाना है, वरना नहीं लगाओ इसके बीच में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल ग्राफ की जो कॉर्नर है उस पर लगा दें साइड से, ठीक है, इस तरह से लगा दें, जैसे पेज है इस तरह से लगा दें यहाँ कॉर्नर में, यहाँ ऐसे हल्का हल्का सा लगा दें और फाइल में ना लगे, और आप इस फाइल को ऐसे करके इस तरह से सेट कर दें, बिल्कुल पेज इसके बीच में आ जाए, और फिर कर दे फाइल को बंद और उसको रख दें, फिर वो चिपका हुआ तैयार हो गया। तो ये मुख्य बातें हैं जो फाइल बनाने के लिए हमें ज़रूरत रहती है, तो इनमें अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और फाइल आपकी सुंदर बनेगी, देखने वाले को एक अच्छा इम्प्रेशन रहेगा, जब फाइल भी अच्छा इम्प्रेशन रहता है तो निश्चित तौर पर आपने मेहनत से किया करोगे तभी इतना काम करोगे, कोई मेहनत करेगा तो ही वो इतना काम करेगा, जो 3 महीने काम 1 दिन में करेगा वो कभी भी इन बातों का ध्यान नहीं रख सकता, जो रेगुलरली से करेगा वही ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ों का। तो जब आप इतना काम करोगे इतनी मेहनत से तो निश्चित तौर पर आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें, समझ में भी आएंगी, और आधी चीज़ें ऐसी रहती हैं जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रैक्टिकल में आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी रहती हैं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से कर लेते हैं तो फिर हमें उनको याद रखना नहीं पड़ता, वो हो जाती हैं यार, तो हमें एग्ज़ाम वाले दिन भी दिक्कत नहीं आती। तो प्रैक्टिकल अच्छे से होते हैं, मार्क्स अच्छे मिलते हैं और अच्छी तैयारी रहती है, फ्यूचर के लिए भी हमेशा पता रहता है कि कैसे हमने काम किया, कैसे आगे काम करना है। तो ये प्रैक्टिकल वर्क में फाइल वर्क था जो हमें ध्यान से करना है, बाकी आगे के वीडियो के लिए आप देखते रहें, जो भी वीडियो बनाएंगे अपलोड कर देंगे।